एडीजी जोन अखिल कुमार ने महिला थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद के महिला थाने के कार्यालय बैरक हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया है, जिसमें काउंसलर की कमियां पाई गई है, जिसको देखते हुए एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि महिला थाने पर काउंसलर की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि महिला थाना एक महत्वपूर्ण थाना है जहां पर अधिकतर पारिवारिक मामले आते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से परिवार को टूटने से बचाया जाता है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है, जिसके लिए यूपी पुलिस कार्य कर रही है। प्रयास है कि महिलाओं को किसी तरह की समस्या ना हो और वह सुरक्षित बिना डर व भय के कहीं भी आ जा सके, जिसको देखते हुए महिला थाने को निर्देश दिया गया है कि कोई भी परिवार ना टूटे, अच्छे से काउंसलिंग किया जाए, इसके लिए जो भी कदम हो उठाया जाए। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, महिला थाना प्रभारी प्रभा, उप निरीक्षक अनुप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, ये भी छोटी एक कोई यहाँ एक परिवार परामर्श केंद्र बना प्रतिदिन कभी कह सकता है, लेकिन परिवार परामर्श केंद्र में ये यहाँ पे सर कैमरे सही कनेक्शन का कैमरे जो है वो वाले चल रहे हैं, अब सही आया था राइट, यहाँ पे जो भी राइट ठीक है, दो इन पर चल रहा महिला थाने ये अपने खुद साथ में करता हूँ भुगतान साफ करते हैं तभी एफ आई आर होता है महिला स्वतंत्रता है, ये मीडिया कराते हैं विवेचना और बगल आई नहीं है बीमारी में वहाँ रहता है आप इंस्पेक्टर है सर बैठ के आप लोग बात करते हैं या काउंसलर बात करते हैं? काउंसलर से सर हम लोग पूछते हैं इनका मामला क्या, बाकी काउंसलर देखते हैं। काउंसलर हर दिन ही आते हैं? नहीं आते हैं सर, हफ्ते में दो दिन हो गया है। अच्छा काउंसलर कम है क्या? नहीं काउंसलर तो अधिक है सर, यहाँ रोज अलग आदमी आ रहा है, यहाँ पे निस्तारण से फास्ट होता था, निस्तारण फास्ट होता था, इसको कल रात उठाया गया था, इसको रिजोल्व करेंगे। काउंसलर है बट उनको कह दिया दो ही दिन बैठने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आदेश है सर, ये जैसे आदेश है ये मेरा किया हुआ है परिवार परामर्श केंद्र फॉर इफेक्टिव मीडिएशन, आने इनको बुलाया समझ गया। अब यहाँ ओनली पीपीके में सीधे नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे ये लोग पहले प्रयास करते हैं, जब यहाँ पे सीधे नहीं आ सकते हैं ना, यहाँ आदेश से होगा तो ही ये मीडिएशन करेंगे। अच्छा सीधे तो नहीं ले, महिला थाने में आ सकते हैं सीधे मीडिएशन करा सकते हैं। नंबर वन काउंसलर अगर और विलिंग है और अच्छे काउंसलर, देखिए महिला आज महिला थाने पे हम लोग गए और महिला थाने के फंक्शनिंग का थोड़ा मुआयना किया गया, उनसे बातचीत की गई, परिवार परामर्श केंद्र के बारे में चर्चा हुई, कुछ कठिनाइयां और कमियां पाई गई हैं उस संबंध में हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मैं आवश्यक सुझाव दूंगा ताकि उसमें सुधार कर सके। अच्छे ढंग से चल रहा है सीसीटीवी भी, ये जो त्रिनेत्र अभियान में हम लोग बाहर लगा रहे हैं महिला थाने में भी लगा हुआ है, एक महत्वपूर्ण अंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है कि हम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाएं, उनकी कोई समस्या ना आ पाए और वो सुरक्षित महसूस करें। इसी क्रम में महिला थाना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और वो अच्छे ढंग से अदा कर सके और कर भी रहे और अच्छा कर सके, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। काउंसलर को बढ़ाने के लिए हमने कुछ हमने बताया, कुछ निर्देश दिए हैं कि अगर आवश्यक है तो काउंसलर बढ़ाए जाएँ, उनके नंबर ऑफ सिटिंग बढ़ाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखिए महिला संबंधी अपराध में बहुत सारे परिवार जुड़ा होता है और परिवार ना टूटे हमारे समाज में ये हमारा परम कर्तव्य है। हम फौजदारी से पहले ये प्रयास करें कि परिवार ना टूटे, आपस में लोग मिलजुल के रह सके, इसलिए परिवार के परामर्श केंद्रों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग और सजग और सक्रिय कैसे बनाए इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं।